गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, मैं जी एजुकेटर, और आज हम बात करेंगे अपने 19th जून करंट अफेयर्स की। तो आई होप आप सब लोग नहा धो के अच्छे बच्चों की तरह हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करने के लिए आ गए हैं। शुरू करते हैं अपना सेशन, और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में। जब तक मैं अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लोग अच्छे बच्चों की तरह हमारा जो ये सेशन है उसको अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी आप यूज करते हैं आप वहां पे कर सकते हैं शेयर। तो गाइस, आपके प्रिपरेशन के लिए हमने दो कोर्सेज यहां पर बनाए हुए हैं, और अगर इन दो कोर्सेज की बात करें तो एक आपका ओवरऑल कोर्स है जिसमें आपको हम टोटल 6 क्लास देते हैं पढ़ने के लिए, 2 क्वांट की, 2 रीजनिंग की, एक जीए की और एक इंग्लिश की। और ये जो कोर्स है इसमें प्रॉपर आपका सिलेबस कवर कराया गया है, और उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम आप इस कोर्स को ले सकते हैं। फीस है मात्र 1499। अच्छी बात क्या है, इसमें आपको हम टेलीग्राम चैनल अलग से बनाकर देते हैं जिसमें हमने बैंक एम्प्लॉय हायर किए हैं जो कि आपको मेंटोरशिप करते हैं, और आपको हमारा प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज भी मिलेगा अलग से, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा गाइस, अगर आप किसी एजुकेटर से इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो ये लाइव बैच है, और ये लाइव बैच 499 का। हाँ, अच्छी बात क्या है, अगर आप लोग एक्सप्रेस कोर्स परचेस करते हैं तो ये लाइव कोर्स आपके लिए वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। चलिए तो गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने वार्म अप सेशन की। तो वार्म अप करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे बीच में पल्लवी का बर्थडे है भाई, तो पल्लवी को सब लोग विश कर दीजिए। पल्लवी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, हमें मिठाई खिलाइए, गॉड ब्लेस यू, और इस बार सिलेक्शन आपका होना ही होना है। चलिए तो गाइज आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके आंसर होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपसे पूछा गया कि देश को महामारी से निपटने में हेल्प करने के लिए COVID-19 रिकवरी सुविधा के तहत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भारत को कितना अमाउंट लोन दे रहा है, ये आपसे पूछा गया। देखो एक बात याद रखना, पहले भी हमें ये AIIB अमाउंट दे चुका है $500 मिलियन का। ये सेकंड लोन है, और सेकंड लोन कितने का है ये आपसे पूछा गया है। तो सेकंड लोन कितने का है गाइस, $750 मिलियन का है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद अगर बात करें तो $1 बिलियन किसने दिया है, तो $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया इंडिया को, $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है, 1.5 दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो ये भी याद कर लेना, इन दोनों का भी याद कर लेना, ठीक है। तो $750 मिलियन बाई AIIB, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेरी मच, बढ़िया गाइस आगे बढ़ रहे हैं और सेशन को आप लोग शेयर करते चले। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज सेट टू एस्टैब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस, है ना, इन एवरी स्टेट एंड यूटी। हाउ मेनी स्टेट हैव बीन चूजन अंडर दिस इनिशिएटिव इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था कि ये कितने स्टेट हैं, तो 4 साउथ इंडिया से थे और 4 नॉर्थ ईस्ट से थे। साउथ इंडिया की बात करें तो कर्नाटका, ओडिशा, केरला एंड तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा, केरला एंड तेलंगाना। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, इन आठ जगहों पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बन रहे हैं। हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हैं, तो किरण रिजिजू जी हैं, किरण रिजिजू, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मच हैज बीन प्लेज्ड बाय द इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज एट द आइकोनिक पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नेपाल, यानी नेपाल में प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधाओं के विकास के लिए भारत ने कितने अमाउंट देने की बात बोली है। गाइस ये अमाउंट तो आपको बताना ही बताना है, इसके अलावा नेपाल ने जो इंडिया के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जो प्लेस है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके 3 साइट को अपना बनाने की बात बोली है कि वो हमारे साइट है। ये 3 कौन कौन है, तो ये भी नाम हमको याद होने चाहिए। तो एक है गाइस लिपुलेख, याद रखना, एक है लिपुलेख, एक है कालापानी, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, और एक क्या है लिम्पिया धुरा, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट आप लोग बता ही देंगे, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट 2.33 करोड़ रुपीस है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और चूंकि ये हॉट टॉपिक है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा, ये आपकी जबान पे होना चाहिए, आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, ये आपसे पूछी गई है। टॉप किसने किया गाइस, तो आपको यह भी बताया है कि टॉप किया था सिंगापुर ने। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है सिंगापुर ने।
और अगर बात करें कितने टोटल कंट्रीज थे, तो 63 कंट्रीज के बीच में रैंकिंग हुई थी, टॉप सिंगापुर ने किया है। और अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 43, इंडिया की रैंक है 43। और देख लें 40 की बात करें गाइस, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है इस बार 40, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। और अगर बात करें 84, तो ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 84 है। 144 किस में है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 है, ठीक। इसके अलावा गाइस 120 की बात करें तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 120 है। तो मैंने ये पूरा भी रिवीजन आपको करा दिया गाइस, है ना। तो 40 किस में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और 43 किस में है, तो ये वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में है। तो ये आपको मालूम चल गया। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मुख मल्दिकली अबिल गाजिब हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये इस कंट्री के 2018 में ही क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो गाइस एक बार इन पांचों देश की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, आपको पता है ताशकंद है, ठीक। और करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है, करेंसी सोम है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है। टर्की की बात करें, टर्की करेंसी अंकारा है, अंकारा, ठीक है। और करेंसी की बात करें, करेंसी लीरा। अजरबैजान की बात करें तो कई बार आपको पढ़ाया गया है, बाकू कैपिटल एंड मनत करेंसी। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, किर्गिस्तान की कैपिटल आपकी बिश्केक है, ठीक है, और सोम करेंसी है। कजाकिस्तान की बात कर लें, कजाकिस्तान नूर सुल्तान कैपिटल है बेटा इसकी। और करेंसी की बात कर लें, करेंसी आपकी क्या है, करेंसी आपकी टिंग है, TENG, ठीक है। तो ये सब तो देखो रिवीजन अच्छी बात है। और आंसर की बात कर ले, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो मैंने आपको इन सारे देशों की कैपिटल करेंसी भी रिवाइज करवा दी है, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाई IBBI, मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी एक अपना चेंज किया है, मतलब कि आपसे पूछा गया कि एडवाइजरी कमेटी के हेड को, हेड किस, मतलब देखो 14 मेंबर होते हैं एडवाइजरी कमेटी में, तो 14 मेंबर भी नए अपॉइंट हुए हैं, साथ ही साथ उनके हेड कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर भी दे दो, आंसर क्या है, आंसर देखो यहां पर गलत हो गया है, आंसर ये नहीं है, आंसर है उदय कोटक, हाँ आंसर है उदय कोटे। तो ये यहाँ पे कंप्यूटर जी की मिस्टेक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देखो डीके जैन कौन है भाई, तो डीके जॉन कौन है गाइस, कल मैंने पढ़ाया था कि डीके जैन को BCCI का अभी ऑम्बुड्समैन बनाया गया, ऑम्बुड्समैन और एथिक्स ऑफिसर के रूप में एक साल का एक्सटेंशन मिला है, आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक। शांतनु प्रीतम की बात करें, ये कौन है, तो शांतनु प्रीतम जो बेटा है ये जो बने हैं CTO, ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर बने हैं PayU के, कल हमने ये भी पढ़ा था। आदित्य पुरी तो HDFC के हैं, ठीक। संतोष झा की बात करें तो ये इंडिया के एंबेसडर बने हैं बेल्जियम में, ये भी कल हमने पढ़ा था। और उदय कोटक बने हैं इसके आंसर, तो ये आपके सामने आंसर आ गया, देख लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको हम बता रहे हैं यहां पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो भारत में कौन सा राज्य मनरेगा में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला स्टेट बन गया है, कल हम लोग पढ़े थे। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, आपको मैंने बताया हुआ है, सेकंड पे राजस्थान है ना, और थर्ड पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड पे। तो पहले पे कौन है, तो पहले पे कौन है, गुड मॉर्निंग, पहले पे यूपी है। और कितना डेटा क्या है, तो याद कर लीजिएगा फिर से एक बार, 57,12,975 लोगों को रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश ने, तो ये भी आपको याद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मार्क बाय द यूएन, फैमिली रेमिटेंसेस मार्क बाय द यूएन, कब कब ये सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम थीम की बात कर ले कि इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है रेमिटेंसेस आर अ लाइफ लाइन, ठीक है। तो ये थीम आपको लर्न करनी है। अब डेट की बात कर ले, डेट क्या है, तो डेट 16 जून है, तो 16 जून को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ रीजन की बात कर ले, 12 जून को हम क्या मनाते हैं, याद करो 12 जून को हम क्या मनाते हैं, तो 12 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं,
वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। तो 12 जून को हम लोग वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं, 14 जून को हम क्या मनाते हैं, 14 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, है ना, यही मनाते हैं। 16 जून आपको मालूम चल गया, 17 जून की बात कर ले तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना, पढ़ाए हैं, एंड ड्रॉट, ये भी हमने पढ़े हैं। और 15 जून की बात कर लें तो 15 जून को कई सारे डे हैं, उसमें से एक डे है वर्ल्ड विंड डे है, तो ये सब याद कर लें गाइस, ये सब याद करना जरूरी है, आपके एग्जाम में एक नंबर का आता ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हाउ मेनी एमओयू हैज बीन साइन बाई द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडर मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव विद इंडिया एंड फॉरेन कंपनी फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं गाइस, टोटल महाराष्ट्र को 16,100 करोड़ रुपए का निवेश मिला, एफडीआई मिली, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 16 कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, सॉरी 12 कंपनी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 12 कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और 16,100 करोड़ रुपीज का निवेश मिला है महाराष्ट्र को, तो ये भी हमको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे गाइस, एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, बाई ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, अंकटेट करता है, अंकटेट का हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा में है। आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द टोटल एफडीआई फ्लो ग्लोबली इन द ईयर 2019, तो 2019 में पूरे वर्ल्ड में कितनी एफडीआई फ्लो हुई थी ये आपसे पूछा गया। हालांकि 2020 में इन फ्लो में 40% की कमी आएगी, आपको बताया भारत 9वें नंबर पे है एफडीआई प्राप्त करने वाले देश में, यूएस नंबर 1 पर है, ये भी आपको बताया, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं ना। तो आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैंने आपसे पूछा है, और इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर $1.54 trillion, $1.54 trillion, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वन ग्लोबल लेवल पूछा है तो $1.54 trillion, ऑप्शन नंबर 1.51 नहीं है गाइस, नहीं 1.54 है, आराम से याद कर लीजिएगा, अभी तक किसी ने भी, केवल वैष्णवी पांडे ने, पांडे जी कमाल करती हैं आप, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, और सिन्नी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, और अरविंद ने सही आंसर दिया। चलिए आगे बढ़े, हाउ मेनी वोट्स इंडिया हैज वॉन आउट ऑफ 192 वोट टू एंटर द नॉन परमानेंट कैटेगरी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कल हमने पढ़ा था कि इंडिया मेंबर बन जाएगा, कल वोटिंग भी हो गई, और अब आपको बताना है कि इंडिया को 192 वोट्स में टोटल कितने वोट मिले। देखो पांच सीटों पे इलेक्शन था, एक देश हो गया इंडिया, उसके अलावा बात करें गाइस तो एक देश हो गया आयरलैंड, इंडिया आयरलैंड ठीक है, और मैक्सिको और केन्या, और एक देश और है नॉर्वे। देखो नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडिया, इन पांच देशों को जगह मिली, और इंडिया के वोट की बात करें तो इंडिया को टोटल कितने वोट मिले, 184 मिले। फिर या चलो इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या, इन पांच देशों को मेंबरशिप मिली है 2 साल के लिए, ये भी याद रखिएगा। इंडिया की मेंबरशिप जनवरी 2021 से शुरू हो रही है, और ये कौन सा टर्म था, इंडिया कौन से, कितनी बार, 7 बार पहले बन चुका है, ये इंडिया का 8वां टर्म है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लास्ट टाइम 2011-12 में इंडिया मेंबर बना था, लास्ट टाइम हमने आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी, ये कौन सा टर्म है, ये 8th टर्म है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, अभी रिलायंस ने अपनी 10वीं डील कर ली है, अभी 10वीं डील कर ली है, 10वीं डील किस कंपनी के साथ, सऊदी वेल्थ फंड पीआईएफ के साथ, और रिलायंस जियो को 11,367 करोड़ रुपीस मिले हैं, इसके बदले में रिलायंस ने अपना कितना परसेंट शेयर बेच दिया है। 10वीं डील मैं क्यों बोल रहा हूं गाइस, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात, अगर आप लोग सिल्वर लेक के साथ 2 बार डील हुई है, अगर इसको 2 बार ऐड करोगे तो ये 11वीं डील है, और अगर आप इसे एक ही बार कंसीडर करोगे तो ये 10वीं डील थी, ठीक। और कितना परसेंट शेयर, आप लोग आंसर भी दे रहे हो, क्या इसका आंसर होगा, आंसर इज 2.32%, तो 2.32% ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तो एक बार आप देख लीजिए। तो अभी क्या हुआ है कि मुकेश अंबानी को 11,367 करोड़ रुपीज मिले हैं, मुकेश अंबानी की बात करें तो गाइस इन्होंने अपना, इनकी कैपिटल 115693.95 करोड़ ओवरऑल हो चुकी है, ठीक, इन्होंने अपना 24.7% स्टेक बेच दिया है। इसके पहले इन्होंने टोटल 10वीं डील की है अपनी किसके साथ, सऊदी वेल्थ फंड के साथ, अगर आप सिल्वर लेक का 2 बार जोड़ेंगे तो 11वीं डील हो जाएगी, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप याद रखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभी इंडियन गवर्नमेंट को वॉर्न किया है कि हाउ मेनी मोबाइल एप्लीकेशन लिंक्ड टू चाइना,
मतलब कि खुफिया एजेंसी ने चीन से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है, भाई इससे आपका डेटा हैक हो सकता है। एंड 212 लोग हो चुके हैं, हमें 300 लोग लाइव चाहिए, अगर आप शेयर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इस होगा 52। तो 52 कंपनीज के को हमारी इंटेलिजेंस ने अभी कहा है कि भाई ये सब खतरनाक है, इसे यूज मत करिए, और इसमें टिकटॉक भी है। तो गाइस प्लीज अपने टिकटॉक को संभाल के रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेम द 1971 वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। तो एक 1971 वॉर के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल, इनका निधन हो गया, आपको इनका नाम बताना है। इनको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, इनको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला था, इनको हमारी गवर्नमेंट से महावीर चक्र मिला हुआ था, महावीर चक्र से ये सम्मानित थे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजमोहन बोरा, राजमोहन बोरा ऑप्शन नंबर ए। महावीर चक्र याद रखना, महावीर चक्र याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वेयर विल द फोर्थ एडिशन ऑफ द एशिया यूथ पैरा गेम्स बी हेल्ड दिसंबर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। तो आपको पता है कि पहला यूथ एशियन, फर्स्ट एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है ये 2009 में टोक्यो में हुए थे, और लास्ट की बात कर लें तो लास्ट ये 2017 में दुबई में हुए थे। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल यूथ पैरा गेम्स मतलब पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो कहाँ पे, आबू धाबी में, ये भी आपको बताया गया था कल क्लास में। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर हम बहरीन की कैपिटल और बहरीन की करेंसी की बात कर लें गाइस, तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो बहरीन की कैपिटल की बात कर लें तो मनामा है, मनामा, और करेंसी की बात कर लें तो करेंसी इस दिनार है। तो पूरा हमने बिल्कुल एकदम अपना रिवीजन कर लिया, अभी हम लोग एकदम फ्रेश हो चुके हैं, मतलब जो नींद वींद थी वो गायब हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर्स पर, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स पे, और हमारा स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो मोटिवेशनल कोट में यहां पर आपको एक बातें बताई गई हैं टाइम के बारे में, कि जो टाइम होता है ना, समय, टाइम का अगर आपने यूज ठीक से कर लिया तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट असेट होता है। आप कोई भी स्पीड टेस्ट ले लो, आप कितने घंटे भी मेहनत कर लो, अगर आप प्रॉपर टाइमली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ खराब है, समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए दो चीजें आपको जरूरी होती हैं, एक टाइम मैनेजमेंट और एक एक्यूरेसी। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आप रेलवे की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, बैंकिंग की बात कर लो, इवन आप ग्रेड बी की बात कर लो, यूपीएससी, कोई सी एग्जाम की बात कर लो, क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट भी नहीं मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। अब तो कैसे हम अपने अंदर ये स्पीड और ये एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, बेटर टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए ना, देखो दिन में सोना भी जरूरी, मतलब एक दिन में, दिन का मतलब मैं डे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे 24 घंटे की बात कर रहा हूं। 24 घंटे में सोना भी जरूरी है, आप इंसान, आपको शायद थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया पर देना जरूरी है क्योंकि आप इंसान है, आपको खाना भी खाना है ना, कुछ लोग मतलब यहां वहां बात भी करते होंगे अपना, टाइम मैनेजमेंट। तो इन सबको मैनेज कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना है। तुम्हारा टारगेट अगर दिन में मैथ्स में ये खत्म करना है, रीजनिंग में टॉपिक खत्म करना है, इंग्लिश में ये खत्म करना है, अगर तुमने टारगेट दिए हैं अपने आप को, उसको अचीव कर लो। हाँ, उसके बाद तुम्हें जो करना करो ना यार, कोई मना थोड़ी ना कर रहा तुमको। मतलब तुम्हें अगर एक स्पीड टेस्ट पूरी सॉल्व करनी है तो सॉल्व करनी है, क्वांच में तुमको ये डीआई खत्म करनी है तो करनी है, मतलब ये एक होना चाहिए एटीट्यूड। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है गाइस, अगर तुमने अपने टारगेट्स पूरे किए टाइम से और फिर तुम अपने एक्स्ट्रा वर्क भी कर ले रहे हो तो वो टाइम मैनेजमेंट है। और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तुम्हें केवल स्पीड टेस्ट सिखाएगा। इन दोनों बातों पर गौर करना मेरे, मतलब ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर एग्जाम की बात करेंगे तो स्पीड टेस्ट के बिना तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। और दूसरी बात, एक टाइम जो तुम्हारे स्टडी का है, अपने टारगेट्स को अचीव करो विद इन टाइम फ्रेमवर्क, देखो तुम कितने जल्दी ग्रो करते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटीज बढ़ती। चलो फिलहाल आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अपने सेशन की, स्टार्टिंग करेंगे अपॉइंटमेंट और रिजाइन की। और सबसे पहले हम बात करेंगे टर्की के एक ब्यूरोक्रेट, इनका नाम क्या है, वोल्कान बोजकिर। ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूएन जनरल असेंबली के। तो तुर्की के वोल्कान बोजकिर 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली की बात करें, इन्होंने मतलब जनरल असेंबली ने तुर्किस डिप्लोमैट, नाम क्या है, नाम पता होगा आपको, वोल्कान बोजकिर, इनको अपना अपने 75th सेशन का क्या बनाया है, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, जो कि सितंबर में होने वाला है।
तो यूएन जनरल असेंबली 75th सेशन जो कि सितंबर में होगा, उसके प्रेसिडेंट बन गए हैं टर्की के एक डिप्लोमेट हैं। नाम क्या है इनका? नाम है वोल्कान बोजकिर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा याद करने की जरूरत है आपको, ठीक। बोजकिर इज द फर्स्ट टर्किश नेशनल टू हेड द जनरल असेंबली। तो बोजकिर से पहले आज तक टर्की का कोई भी ब्यूरोक्रेट ने इतने बड़े पोस्ट पर टर्की को मतलब सम्मानित नहीं किया। यूएन जनरल काउंसिल को अभी तक इन्होंने प्रेसिडेंटशिप नहीं दी थी, लेकिन अब देंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, याद करना आपके लिए जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, ठीक है। पहली न्यूज हमारी यहां पर हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। तो आप लोगों ने गाइस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के वो देखे हैं, जो इनके आउटलेट्स होते हैं जहां पर गाड़ियों वाड़ियों में गैस भरी जाती है, दिखाओ आप लोगों ने। तो एके जाना जो है ये MD बन गए हैं IGL के, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड एके जना एज इट्स MD। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एके जना को अपना प्रबंधक निदेशक अपॉइंट किया है। अब ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड क्या कोई इंपॉर्टेंट कंपनी है? जी हाँ, क्योंकि ये गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। ये ज्वाइंट वेंचर गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अपॉइंटमेंट में 2 न्यूज की बात हमने आपसे कर ली है, इन दोनों न्यूज पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आइए अब साइंस और टेक की बात करते हैं। तो BMC की बात करें, BMC launches application AirVenti to provide information on ICU bed ventilator in Mumbai. Guys, जिस तरह दिल्ली में वेंटिलेटर कमी है वैसे मुंबई में भी तो और ज्यादा है। तो अगर हमको ये पता करना है कि किस हॉस्पिटल में या किस जगह पे हमको वेंटिलेटर या बेड्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। उस लॉन्च से आप ट्रैक कर सकते हैं चीजों को। देखिए यहां पे तो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कम अप विद द मोबाइल एप्लीकेशन नेम AirVenti, जिससे आपको ट्रैक करने में इजी हो जाएगा कि चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे BMC रन हॉस्पिटल हो, कहां कहां पे आपको इंटेंसिव केयर यूनिट मिल जाएगी, ICU, कहां पे वेंटिलेटर मिल जाएंगे। तो उसके लिए ट्रैक करने के लिए BMC ने AirVenti नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, BMC नाम से मालूम चल रहा है कि मुंबई की हम बात कर रहे हैं ना, BMC AirVenti एप्लीकेशन। सिंपल सा साइंस टेक में एक न्यूज हमने यहां पे कवर की। आगे बढ़ेंगे गाइस और बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करेंगे। और कहा जाता है ना कि जख्म पे नमक छिड़क दिया, ये फिच बार बार कर रहा है। देखो तो फिच ने फिर से एक बार इंडिया की ग्रोथ रेट को रिवाइज किया है, इंडिया कंडीशन रिवाइज किया है और इंडिया की आउटलुक को नेगेटिव कह दिया है। ये पहले भी कह चुके हैं नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल, ठीक, स्टेबल पहले था, अभी नेगेटिव हो चुका है। और साथ ही साथ भारत की रेटिंग को BBB- तो कर ही दिया था। तो फिच ने इंडिया, आओ आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं ताकि और ईजी हो जाए। देखो तो फिच रेटिंग हैज रिवाइज इंडिया लॉन्ग टर्म आउटलुक टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। लॉन्ग टर्म आउटलुक का मतलब कि अगर इंडिया में आप निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा या नुकसान है। तो इस हिसाब से अभी लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, आप मतलब अगर कोई FDIs हैं जो निवेश कर रहे हैं इंडिया में। तो फिच रेटिंग ने इंडिया की आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक को निगेटिव कर दिया है फ्रॉम स्टेबल, ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद इसके अलावा भारत की रेटिंग को BBB- कर दिया है, जो कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपको निवेश किस में करना है, आपको निवेश चोला मंडलम में करना है या रिलायंस जियो में करना है, तो आप रिलायंस जियो में करोगे क्योंकि चोला मंडलम आपको इतना प्रॉफिटेबल नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्या है कि इंडिया की ग्रेड कम करने पर इंडिया जस्ट लाइक चोला मंडलम कंपनी बन गई है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दो इसके अलावा फिच ने बोला कि 2021-22 में जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भारत की ग्रोथ रेट -5% रहेगी। तो -5% ये तुमको बताइए। इसके अलावा अगले साल फाइनेंशियल ईयर 22 में फिच ने बोला कि भारत ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी। तो इसमें 4 पॉइंट आपको याद करने जो बहुत जरूरी है कि मतलब 2020-21 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, -5%, और उसके एक साल के बाद 2021-22 में भारत ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 9.5%। इसने क्या किया है, भारत की रेटिंग को BBB- कर दिया है और लॉन्ग टर्म जो आउटलुक भारत का है उसको इन्होंने निगेटिव कर दिया फ्रॉम द स्टेबल। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने जो आपको हमने पढ़ाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अभी इंडिया की ग्रोथ रेट को फोरकास्ट किया है और इनके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2020-21 जो हमारा चल रहा है उसमें भारत की ग्रोथ रेट -4% रहने वाली है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4% माइनस में जाने वाली है, ऐसा कहना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का।
अगले साल 2022 में उन्होंने बोला है कि इंडिया मजबूती से वापसी करेगा और इंडिया ग्रोथ रेट 6.2% रहने की उम्मीद है, मतलब 2022 से जो हमारा, मतलब ये अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो कितना -4%। इसके बाद जो हमारा 2021-22 आएगा उसमें कितना 6.2%। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देने हैं जो हमने आपको बता दी गाइस। आगे बढ़ते हैं, अब बिजनेस फाइनेंस में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, ये काफी अच्छी न्यूज है। तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस मनी इन एक्सेल टू हेल्प यूजर्स मैनेज फाइनेंसेस। अब देखो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग एक्सेल शीट भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते होंगे, जानते होंगे आप लोग, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है दिखाता हूं मैं, देखो तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है मनी इन एक्सेल फीचर फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल एंड फैमिली सब्सक्राइबर स्टार्टिंग फर्स्ट इन यूएस। तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट का एक अपडेटेड पैकेज है जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल एंड फैमिली सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, जिसमें आपको एमएस के सारे पैकेज मिलते हैं, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कुछ मिलता है। तो अगर आप इस अपडेटेड वर्जन के सब्सक्राइबर हैं तो क्या होगा गाइस, आपको एक एक्सेल शीट बनानी है और उसमें क्या होगा, आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने कहीं शॉपिंग कर ली, आपने कहीं फंड ट्रांसफर किया, वो सब ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर आपके एक्सेल शीट में मेंटेन हो जाएगा अपने आप, आपको बार बार यहां मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तो मनी इन एक्सेल इज अ टेम्पलेट एंड एड इन फॉर द एक्सेल दैट अलाउ यूजर टू सिक्योरली कनेक्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इन्वेस्टमेंट लोन, सब कुछ आपको इस एक्सेल शीट में कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे सारे आपके इस एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये काफी अच्छी चीज है, अगर आप प्रॉपर एक्सेल यूज करते हो ना गाइस तो ये आपके लिए मतलब एक अमृत है, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो मनी इन एक्सेल ये आपको बताया गया, किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। तो कर्नाटका बैंक ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है फॉर द कोविड-19। कर्नाटका बैंक ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है फॉर द कोविड-19। पूरी न्यूज आपको दिखाते हैं, ये देखिए देखिए, तो कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। गाइस अगर आप बैंक या इंश्योरेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अमृत होते हैं, पी जाइए, क्योंकि जरूर एग्जाम में क्वेश्चन इससे ऐसे आते हैं। द पॉलिसी एम टू कवर द इंडिविजुअल कोविड-19 पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस, तो ये मैं आपको बताई दिया। तो कर्नाटका बैंक, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जो कि कोविड-19 का जो भी अफेक्ट है उसे भी कवर करने वाला है। इसके लिए बस आपको 399 का प्रीमियम देना है, 120 दिन के लिए पॉलिसी वैलिड होती है, और अगर आपको ये पॉलिसी लेनी है तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। हालांकि इतने डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आपसे, बस बैंक का नाम और इंश्योरेंस कंपनी का नाम ही पूछा जाएगा जो हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ेगा इस पॉलिसी में अगर कोई बंदा अफेक्ट होता है तो उसको 1,000 रुपीज पर डे मिलेंगे 14 डेज के लिए, जो भी आप क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में रहते हो, तो 14 दिन के लिए 1,000 रुपए एक्सपेंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो कर्नाटका बैंक, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, याद कर लीजिएगा, ये नाम आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से मुझे पढ़ाने देना गाइस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नए रूल बना दिए। अब जो बच्चे बिल्कुल भी बैंकिंग नहीं जानते, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब कुछ कंपनियां होती हैं बेटा लोग जो कि आपको होम लोन देती हैं। एग्जांपल दूं, जैसे LIC, HFL, आपने पक्का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका काम ही है केवल होम लोन देना। ICICI का भी अपना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका काम होता है होम लोन प्रोवाइड करना, सुनना वो ध्यान से। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत आती थी, लेकिन NHB को अब क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा परचेस कर लिया है, तो NHB अब गवर्नमेंट के अंडर में चली गई है। तो इसीलिए अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पापा कौन बन गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, और RBI ने पापा बनते ही अपने रूल्स चलाने शुरू कर दिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम बना दिए हैं फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आइए आपको बताते हैं क्या क्या नियम यहां पर है। तो नियम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बोला है कि अगर तुमको एज ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी काम करना है तो तुम्हारा मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, 20 करोड़ रुपए, जो पहले 10 करोड़ रुपए था। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मिनिमम नेट ओन फंड क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पेड अप कैपिटल भी बोल सकते हैं, पेड अप कैपिटल, या फिर आप ऐसे समझो कि जो पैसा
आपने लगाया है, जो जैसे मान लो कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मैंने 20 करोड़ रुपए लगाया है, तब जाकर मेरा अपना 20 करोड़ लगाया है, तब जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे क्या बोलेगा कि ठीक है आपको हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस दे रहे हैं। भाई पैसा तो हम चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकते थे, हम चाहे तो अपने और पार्टनर बना सकते थे। तो आप ऐसे समझो कि पेड अप कैपिटल को हम मिनिमम नेट ऑन फंड बोलते हैं, आप इस तरह समझो। और ये 20 करोड़ रुपए जो होगा ये होना चाहिए अमाउंट, याद करना आपको जरूरी है। अच्छा और बात करें तो एग्जिस्टिंग अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी काम कर रही है जिसका मिनिमम नेट ओन फंड 20 करोड़ रुपए नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एक साल दे रहा है, एक साल में आप अपनी कैपिटल को 15 करोड़ कर लो और दो साल आपको मतलब दो साल में 20 करोड़ रुपए करना है आपको अपना मिनिमम नेट ओन फंड। तो मिनिमम नेट ओन फंड की बात करें तो एक साल में 15 करोड़ कर लो भैया, और दूसरे साल आपको 20 करोड़ करना ही करना है वरना आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। आगे बढ़े और देखो, फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सुनना बहुत ध्यान से, मिनिमम कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो, इसको सिंपल भाषा में हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो ये क्या होता है, ये बैंक की कैपिटल और बैंक के रिस्क का एक जोखिम होता है, ठीक। तो आरबीआई ने बोला है कि आपकी कैपिटल मतलब इन कंपनी की कैपिटल और जोखिम तो कितनी होनी चाहिए, 15% तक होनी चाहिए 31 मार्च 2022 तक, ठीक। मतलब तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द मिनिमम कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो इज करेंटली एट 12%, अभी ये 12% था अकॉर्डिंग टू एनएचबी, लेकिन अब आरबीआई ने क्या बोला है, आप एक काम करो 14% 31 मार्च 21 तक कर लो और 15% आप कर लो 31 मार्च 2022 तक, यानी अब इनको 15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बात और बोली गई है गाइस, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एचएफसी का मतलब क्या होता है, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये फेल होती हैं, ये बैंक करप्ट होती हैं, तो हमारी इकोनॉमी को धक्का लग सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो और चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, सबको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का दर्जा देता है। जैसे हमारे देश में 3 बैंक है, SBI, ICICI और HDFC, जिनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सुनो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो केवल लोन बांटती है, जो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, केवल लोन बांटती है, ठीक। तो अगर उनकी कैपिटल 500 करोड़ रुपए या उसके ऊपर है, ठीक, इसके अलावा ऑल डिपॉजिट टेकिंग HFC या ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि लोन भी बांटती है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, कैसे, जैसे LIC HFL, अगर आप LIC HFL की बात करें गाइस, तो ये होम लोन भी बांटते हैं और ये असेट मैनेजमेंट कंपनी का भी काम करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड एक तरह का डिपॉजिट हो गया भाई, अगर मैंने किसी कंपनी से म्यूचुअल फंड लिया है तो मैं डिपॉजिट करूंगा पैसा वहां पर। तो अगर कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसके कैपिटल 500 करोड़ या उसके ऊपर है, उसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट HFC का दर्जा मिलेगा। साथ ही साथ ऑल डिपॉजिट टेकिंग HFC जिनका जिनका असेट साइज कुछ भी हो, उसको भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट HFC का दर्जा मिल जाएगा। समझ लो, समझ फिर से। तो देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दो तरह की होती है, एक जो केवल लोन बांटती है और एक जो लोन भी बांटती है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप ऐसी HFC चला रहे हैं जो केवल लोन बांटती, तो आपका असेट साइज 500 करोड़ या उसके ऊपर है, तो आपको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट HFC का दर्जा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है कि आप लोन भी बांट रही हैं और डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, तो आपका असेट साइज कुछ भी हो, 100 200, आपको वैसे भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट HFC का दर्जा मिलने वाला है। तो यह भी हमने आपको बता दिया है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, एक बार आराम से आप पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। तो ICICI होम फाइनेंस, देखो ये भी क्या है, ये भी आपकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही है। तो ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है सरल, सरल एक स्कीम है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग लोन दिया जाएगा महिलाओं को जो कि रूरल एरियाज में रहती, महिलाओं को प्रेफरेंस है और भी लोगों को मिलेगा सरल। तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां बोला गया कि ICICI बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस मतलब ICICI जो होम फाइनेंस कंपनी है वो सरल नाम का एक स्कीम लेके आ रही है। पूरी न्यूज आपको दिखाते हैं, देखिए। तो ICICI होम फाइनेंस कंपनी ने सरल नाम का एक स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन शुरू किया है फॉर द अर्बन एंड द रूरल एरियाज एज वेल, मतलब शहर में भी और ग्रामीण एरिया दोनों में लोन दिया जाएगा सरल स्कीम के तहत।
लेकिन अगर आपको सरल स्कीम में इनरोलमेंट करनी है तो आपकी जो पर एनम इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, 6 लाख से कम होनी चाहिए तभी आपको सरल में ये स्कीम मिलेगा। इसमें 35 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा आपको घर बनाने के लिए और इसका ब्याज केवल 7.98% रहने वाला है और ये लोन 20 साल के लिए आपको मिलेगा। ये फायदा इसमें है। तो सरल की बात करने किसने लॉन्च किया है, आईसीआई से होम फाइनेंस में 35 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7.98% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, 20 साल में आराम से आप दीजिए, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। प्रियंका, आईसीआईसीआई बैंक नहीं बेटा, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ये कंपनी है, ये आईसीआईसीआई बैंक के अंतर्गत काम करने वाली अलग से कंपनी है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेगा इस, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अनूप बागची इसके चेयरमैन है, अनूप बागची इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और गवर्नमेंट स्कीम में बड़ी ही ताबड़तोड़ स्कीम की हम बात करेंगे। इस स्कीम का नाम है गरीब कल्याण रोजगार योजना। ये 20 जून से लॉन्च होने वाली है, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च करेंगे। कहां से लॉन्च करेंगे, बिहार से लॉन्च करने वाले। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना ये कल लॉन्च हो रही है हमारे देश में, मोदी जी से खुद लॉन्च करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये कहां पे लॉन्च हो रही है, तो ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खगड़िया, वहां पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नाम क्या है, तो ब्लॉक का नाम है बिल्दौर, ब्लॉक का मतलब कई गांव को मिलाकर ब्लॉक बनता है। और उस ब्लॉक में किस गांव में, तो गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम हमारा है तिलिया, ठीक ठीक है। तो गरीब कल्याण योजना जो है ये भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बिल्दौर में ग्राम तिलिहार में लॉन्च किया जाएगा, ये वहां से लॉन्च किया जाएगा, ये आपको लर्न करना है। देखो, इट इज अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क, मतलब ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो कि अपने अपने स्टेट में वापस आ गए हैं, तो उन सारे स्टेट में एक साथ काम शुरू होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, तो द प्रोग्राम विल बी ज्वाइंट बाय द विलेज अक्रॉस 116 डिस्ट्रिक्ट इन द 6 स्टेट। तो 6 स्टेट में 116 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ काम शुरू किया जाएगा, 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ काम शुरू किया जाएगा। और ये 6 स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड एंड बिहार, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर वापस लौट कर आए। तो ये इसीलिए जरूरी है और आपको याद रखना है, इसीलिए आपको ये याद करना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक। अच्छा, और है, अब ये गरीब कल्याण योजना 125 दिन चलेगा पूरा, ठीक, और इसमें 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसमें काम दे रहे हैं आपको, 12 डिफरेंट, तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो बजट है वो टोटल 50,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 125 दिन चलेगा, 116 डिस्ट्रिक्ट में 6 स्टेट के 12 मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करेंगी, 50,000 करोड़ रुपए का फंड है और कुछ अमाउंट, ठीक है, और 6 स्टेट के नाम आपको यहां पे दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड एंड विनर की बात करेंगे और यहां पर हम जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो JNK एडमिनिस्ट्रेशन विन 3 अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत। तो जम्मू कश्मीर को 3 अवार्ड मिले हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत। ये अवार्ड कौन कौन से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने 3 प्रेस्टिजियस दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार का नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के 3 पंचायतों को मिला है। ये 3 पंचायतें कहां कहां है वो देख लीजिए। देखिए, तो रजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी में रथल और बड़काना, ये 2 हो गए, और पुलवामा में मीज, ठीक है। तो ये 3 ग्राम पंचायत के नाम मैंने आपको बता दिए, पुलवामा में मीज और रजौरी में क्या है, रथल और बड़काना, इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है, अवार्ड का नाम क्या था देख लो, तो अवार्ड का नाम क्या था यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। ये पुरस्कार बेटा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज देती है, तो ये भी हमने पॉइंट आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 1 की बात करेंगे। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे का एक इंस्टीट्यूट है, टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन अंडर सप्लाई एग्रीमेंट विद द यूनिसेफ। तो गाइज, जो ये आपका COVID-19 है, इसके सिम्टम निमोनिया से मिलते जुलते हैं। तो कई सारे ऐसे देश जो गरीब देश हैं, जहां पर बिल्कुल भी वैक्सीन खरीदने का पैसा उनके पास नहीं है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिसेफ के साथ मिलकर इन देशों को सप्लाई करेगी ये निमोनिया की वैक्सीन, ठीक, देख लीजिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे,
तो ये से न्यूली सप्लाई एग्रीमेंट मिला है विद द यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर और गावी के साथ मिलकर ये निमोनिकोल कंजेट वैक्सीन जो है ये सप्लाई करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। आई एम विजयन ये हमारे देश के पहले फॉर्मर फुटबॉलर थे और इंडियन टीम कैप्टन भी रह चुके हैं। तो आई एम विजयन रिकमेंडेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड हमारे देश का चौथा सबसे सम्मानित अवार्ड है, जैसे पहले पे भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देन पद्म अवार्ड। तो आई एम विजयन को रिकमेंड किया गया है फॉर द पद्मश्री अवार्ड। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फॉर्मर इंडियन कैप्टन आई एम विजयन को चौथे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है पद्मश्री। और ये अवार्ड आपका 26 जनवरी मतलब कि जब हमारे देश में गणतंत्र दिवस होता है तब ये अवार्ड दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनको ये अवार्ड मिलने वाला है। तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। आई एम विजयन की बात करें तो 79 मैचेस इन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं और 40 गोल्स किए हैं। इनको अर्जुन अवार्ड भी 2003 में मिल चुका है। इसके अलावा ये 1993, 1997, 1999 में ये प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। तो फिलहाल इतना डीप में आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जो सिंपल लाइन में है वो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े गाइस। तो भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल एक्वायर स्ट्रेटेजिक स्टेक इन द एडटेक स्टार्टअप लट्टू मीडिया। एडटेक का मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी गाइडली कंपनी, ये एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बो है। इसे हम क्या बोलते हैं, एडटेक। इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एडटेक। तो लट्टू मीडिया एक कंपनी है एडटेक की, जो कि बच्चों के लिए, किड्स के लिए कंटेंट बनाती है। तो भारतीय एयरटेल ने इसमें 10% शेयर परचेस कर लिए, क्योंकि गाइस आपको बताया ये आगे आने वाला टाइम अब एडटेक का ही है, क्योंकि COVID-19 से क्या हुआ, रही कही कसर भी खत्म हो गई है। बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स, ऑफलाइन संस्थाएं बंद हो गई हैं, तो अब ऑनलाइन का ही जमाना है। तो ये इसमें जो निवेश करेगा वो फायदे में रहेगा। देखिए तो भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल हैज एक्वायर्ड 10% स्टेक इन द एडटेक स्टार्टअप लट्टू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पार्ट ऑफ द एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम। एग्जैक्टली में एयरटेल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था लास्ट ईयर, एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम, जिसके तहत ये जो इनोवेटिव वर्क करने वाले स्टार्टअप है उनको फंड देगा भारतीय एयरटेल, ठीक है। तो वही है स्कीम है। तो मुंबई की ये कंपनी लट्टू मीडिया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लट्टू किड्स बिकम द फोर्थ कंपनी टू ज्वाइन द एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम। तो लट्टू किड जो है वो चौथी कंपनी है जिसे एयरटेल ने फंडिंग की हुई है। तो ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो वीट प्रोक्योरमेंट टच अ रिकॉर्ड। COVID-19 या लॉकडाउन के बावजूद भी भारत ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इस साल भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। कितनी हुई है वो देख लीजिए। द प्रोक्योरमेंट ऑफ द वीट फ्रॉम फार्मर हैज टच एन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 382 लाख टन। तो 382 लाख टन का खरीद गेहूं का हुआ है। इसके पहले केवल 2012-13 में हम करीब पहुंचे थे 381.48 लाख टन का, लेकिन अभी 382 लाख टन, इट इज रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब जून 18 की बात करते हैं। तो कर्नाटका जो है वो मास्क डे के रूप में मनाई है जून 18, कल की हम बात करें। तो कर्नाटका टू ऑब्जर्व मास्क डे ऑन जून 18। देखिए द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जून 18 एज द मास्क डे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको पता है कि मतलब लोगों को थोड़ा मास्क और सैनिटेशन के लिए मतलब उत्साहित करना, तो आपको क्लियर होगा। तो कौन से स्टेट ने 18 जून को मास्क डे मनाया, तो कर्नाटका, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको 3-4 दिन पहले पढ़ाया था कि महाराष्ट्र ने अपने एक डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया है, और आज हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, इसका नाम चेंज हो गया है, और नाम क्या हो गया है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रपोजल टू चेंज द नोमेनक्लेचर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो अभी जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया गया है। ये छोटे छोटे न्यूज है लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। थोड़ा जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है, न्यूज हमारे आज ज्यादा थी भैया। चलो पहला क्वेश्चन,
Who has been elected as the president of the 75th UN General Assembly? कौन बना है? तो आपको पता है ये टर्किश के डिप्लोमेट, टर्की के डिप्लोमेट हैं. इनका नाम क्या है? इनका नाम वोल्केन बोजकिर है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द यूएन जनरल असेंबली इज अ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन. हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन? तो यूएन में कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है, जैसे ना सिक्योरिटी काउंसिल भी है, बहुत सारी चीजें हैं. तो कितने होते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो ये छह होते हैं. ऑप्शन नंबर बी, ये छह होते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द सीट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली लोकेटेड, मतलब हेडक्वार्टर आप बोल सकते हैं. तो यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो यूएन के छह असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही होगा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ द आईजीएल? ये कौन बने हैं? तो आपको पता है ये कौन बने हैं, ये बने हैं ए के जना. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड? तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो या तो दिल्ली में होगा, या तो गुरुग्राम में होगा, या तो नोएडा में भी हो सकता है. आंसर क्या होगा? दिल्ली. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. बीएमसी लॉन्चेस विच एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन आईसीयू बेड वेंटिलेटर इन मुंबई? आंसर क्या होगा? हम लोग पढ़े हुए हैं. आंसर इज एयरवेंटी. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज लॉन्च्ड विच एप्लीकेशन टू हेल्प ट्रैक हॉस्पिटल बेड वेंटिलेटर फॉर कोविड 19 पेशेंट? दिल्ली ने भी लॉन्च किया था, मैंने बोला था ना, तो दिल्ली ने भी लॉन्च किया था. उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा गया है कि किस रेटिंग एजेंसी ने कोविड 19 मामलों की निरंतर तेजी के कारण भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक में संशोधित कर दिया है? आपको मालूम है इंग्लिश में, तो किस रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की लॉन्ग टर्म आउटलुक को निगेटिव कर दिया फ्रॉम द स्टेबल? तो वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है? वो है फिच. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, According to Fitch rating, what percent of India GDP is likely to grow in the next fiscal year? Next मतलब 2021-22, मतलब अगले साल. ये कितना होने वाला है? तो ये 9.5 होने वाला है. Option number C is right answer. Next point, According to Fitch rating, what is the GDP growth projection in financial year 21? मतलब इस साल कितना होगा? तो ये -5% है, आपको पता है. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फिच रेटिंग? फिच का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो फिच फॉरेन की कंपनी है. इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क यूएसए. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21? मतलब इस साल एडीबी के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट -4% रहने वाली है. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगले साल भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? तो हम पढ़े हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर 6.2% होगा. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट, कोविड 19 मे कॉज अ लॉस ऑफ 8.8 trillion टू द ग्लोबल इकॉनमी? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोविड 19 की वजह से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इसका नाम है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसने अपनी रिपोर्ट में ये बोला है, कोविड 19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, याद कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. Which feature has been launched by the Microsoft for the Microsoft 365 personal and family subscribers starting first in US? यानी US से ये start किया जा रहा है. तो हमने पढ़ा है क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर money in Excel हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये वॉशिंगटन में है. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? प्रेजेंट सीईओ पूछा गया आपसे. आंसर इज सत्या नडेला. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. Karnataka Bank has launched a health insurance policy to cover COVID-19 in partnership with which insurance company? Which insurance company? ये आपसे पूछा गया. And the answer is Universal Sompo General Insurance. Option number C is right answer. Karnataka Bank in partnership with Universal Sompo, इन्होंने एक health insurance policy launch की है. इसका premium कितना होगा? ये आपसे पूछा गया. इसका premium 300, 399. Option number B is right answer. Where is the headquarter of the Karnataka Bank located? And the answer is Mangaluru. Option number B is right answer. Where is the headquarter of the Universal Sompo General Insurance Company? And the answer is Mumbai. Option number B is right answer. Next point. RBI proposes to increase the minimum net own fund for housing finance company. जो पहले 10 करोड़ रुपीस था, अब वो कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया. And the answer is 20th crore. Option number B is right answer. Next point. What is the minimum capital risk weighted asset ratio for the housing finance company currently? Currently कितना है? Currently 12% है. और फिर इसको 15% कर लेना है अगले दो सालों में, ये आपको पता है. तो 12%. Option number A is right answer.
तो फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द मिनिमम कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो इज करंटली एट 12%। जिन बच्चों ने मेरा अपना इंडिविजुअल कोर्स या एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लिया होगा, मैंने बेसल नॉर्म्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। बेसल नॉर्म्स में ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाता हूं, और जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। तो ये कब तक इसको 15 करना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज 31 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। What will be the asset size requirement of the non-deposit taking HFC to be treated as the systemically important HFC? तो अगर आप केवल non-deposit HFC हो, तो मतलब कम से कम 500 करोड़ या उसके ऊपर, और अगर आप deposit taking हो तो आपके लिए amount की कोई बात नहीं है। Who is the regulator of the housing finance company? पहले NHB था, लेकिन अब Reserve Bank of India हो चुका है, तो option number A is right answer. Next point. Who has launched a special affordable housing loan scheme SARL to finance houses in the urban and the rural areas? What is the answer? And the answer is ICICI Housing Finance. Option number B is right answer. ICICI Home Finance ने SARL नाम का एक affordable home loan scheme launch किया है। अगर आपको ये loan लेना है, तो इसमें maximum loan कितना मिल सकता है आपको? कितना मिल सकता है? 35 lakh. Option number B is right answer. Where is the headquarter of the ICICI Housing Finance located? मतलब ICICI Housing Finance का headquarter कहाँ पे? Answer is Mumbai. Option number C is right answer. Next point. Who is the present chairperson of the ICICI Housing Finance? मैंने आपको बताया था ना, ये बागची साहब है, अनूप बागची। Option number A is right answer. PM Modi is all set to launch which scheme in a bid to boost livelihood opportunity in the rural India and empower rural citizen? इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान, फ्रॉम वेयर विल द अभियान इज लॉन्च? ये कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो ये बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दिस अभियान विल बी अ हाउ मेनी डेज लॉन्ग कैंपेन एंड वर्क इन मिशन मोड? कितना? तो गाइस आपको पता है, 125 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल फंड कितना एलोकेट किया गया है, कितना एलोकेट किया गया? तो 50,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विच स्टेट हैज वन द प्रेस्टीजियस दीनदयाल उपाध्याय शक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन? ठीक है, ग्राम पंचायत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इज नॉट द पार्ट ऑफ द अवार्ड? तो किसको नहीं मिला है? तो रसल को मिला है, बटकारा को मिला है, मीस को मिला है, अरिपाल को नहीं मिला है। हमको पता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अर्लियर इन अप्रैल जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज बैग्ड 3 नेशनल अवार्ड अंडर सेपरेट कैटेगरी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाई द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द नेम ऑफ दोस कैटेगरी आर? तो कौन से कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है नानजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड एंड चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जी ने थोड़ा डीप में क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिया है, आप लोग को आंसर मालूम जता दिया मैंने आपको। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन वॉन 3 अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायती राज, हु इज द प्रेजेंट पंचायती राज मिनिस्टर? ठीक, तो कौन है भाई? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सप्लाई द निमोनिया वैक्सीन अंडर अ सप्लाई एग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनिसेफ। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये कहां पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सीरम इंडिया लोकेटेड? तो ये पुणे की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ हम लोग बात कर चुके हैं, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज द हेड ऑफ द यूनिसेफ? ये कौन है? तो ये है आपके हेनरिक H4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज रिकमेंडेड IM विजयन फॉर पद्मश्री अवार्ड? IM विजयन फॉर द पद्मश्री अवार्ड, आंसर क्या होगा? आंसर इज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पद्मश्री अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? Answer is 1954. Option number C is right answer. Which company has acquired a strategic stake in the edtech startup Luck2 Media? 10% ka share acquire kiya kisne? To uska answer kya hoga? Airtel. Option number E is right answer. Next point, where is the headquarter of the Luck2 Kids located?
इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एयरटेल? तो ये दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द गवर्नमेंट वीट प्रोक्योरमेंट हैज टच ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ कितना टन, ये आपसे पूछा गया है, एंड द आंसर इज 380। तो 382 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट वीट प्रोक्योरमेंट हैज टच एन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 38.2 मिलियन टन सो फॉर इन द 2021 मार्केटिंग ईयर। विच स्टेट इज द कंट्री बिगेस्ट वीट प्रोक्योरिंग स्टेट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि एमपी होगा, ठीक है, एमपी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट फॉर द मार्केटिंग ईयर 2021? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और इसका आंसर होगा 1925 पर क्विंटल, 1925 रुपए पर क्विंटल, ये आपको लर्न करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन है। हु इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? ये कौन है? रामविलास पासवान जी हैं, फ्रॉम बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व June 18, 2020 एज अ मास डे? आंसर इज कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द कर्नाटका? आंसर इज वाजूभाई वाला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर चेंज इट्स नेम, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस डिपार्टमेंट? इसका नया नाम क्या होगा? तो उसका नया नाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? Answer is BVR Subramaniam, option number A is right answer. Next point, recently who is appointed as the judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? And the answer is Javed Iqbal Wani, option number A is right answer. Thank you so much guys, I hope कि आपको session अच्छा लगा होगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। हम कल फिर मिलेंगे आपसे 7 AM पे for the current affairs, ठीक है, ध्यान से पढ़िए सब लोग अच्छे से। Thank you so much guys, अपना ख्याल रखिए।